यहाँ पर जो वेंटिलेशन दिया गया है इसका उजाला आपको यहाँ पर लेट बाथ पर आप दे सकते हैं, बढ़िया दिख रहा है यहाँ पर भी, और एक बेडरूम पर भी दिखेगा और एक हॉल पर भी इसका उजाला आपको देखने को मिलेगा। पर देखेंगे आप किचन पर ही आपको एक बढ़िया सी एक खिड़की 1x1.5 फीट की यहाँ पर दी गई है, ताकि चाय कॉफी वगैरह आप हाल पर पार्सल आप यहाँ पर कर सकें। हाय फ्रेंड, मैं हूँ संजय और आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको 13x45 स्क्वायर फीट पर बने हुए घर जो कंप्लीट पूर्ण रूप से यहाँ पर हो चुका है काम इस पर, तो इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो कमरा जो हॉल का साइज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ में यहाँ पर जो गेट और यहाँ पर जो कलर जहाँ पर जो पुट्टी हुई है उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। यदि आपका घर या मकान का जो साइज है वहाँ 13x45 स्क्वायर फीट है, तो इसमें से आप बहुत सारी चीज़ों को आप अपने प्लान पर शामिल कर सकते हैं और अपने मकान को और भी आप खूबसूरत बना सकते हैं। और साथ में यहाँ का जो एलिवेशन बनाया गया है उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 13x45 स्क्वायर फीट पर बने हुए एक कंप्लीट मकान जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का फ्रंट है यहाँ पर 13x45 585 मतलब कम साइज में बढ़िया सा यहाँ पर प्लानिंग की गई है। इसको अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहले आपको बाहर से यहाँ पर कलर यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं टेक्सचिंग यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर रेड कलर और यहाँ पर पीला कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर किया गया है। बढ़िया सी यहाँ पर एक विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आसपास पीला कलर की बाउंड्री और यहाँ पर ब्लैक कांच यहाँ पर दिए गए हैं, और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लाइट के बल्ब दिए गए हैं, ताकि जो रात में इस मकान की खूबसूरती और भी यहाँ पर बढ़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है मेन गेट, और यहाँ पर प्लेन से लेकर ज़मीन की जो हाइट है यहाँ पर 1.5 फीट की हाइट को यहाँ पर रखा गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर बनाया गया है एक लोहे का यहाँ पर गेट, छोटा सा प्यारा सा यहाँ पर एक गेट यहाँ पर बनाया गया है, और कत्थे कलर और ब्लैक कलर के साथ यहाँ पर कलर किया गया है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर बढ़िया सा एक गेट, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर फ्रंट में इस गेट को बनाया गया है, और यहीं पर आपको एक गाड़ी पार्किंग आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी पार्किंग के यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपका गेट एक मेन, और यहीं पर आपको एक पानी का बोर, और यहाँ पर आपको पॉइंट नल के यहाँ पर दिए गए हैं, और लाइट स्विच यहाँ पर भी दिया गया है। और आप छोटा मोटा आपका सामान यहाँ पर आप रख सकते हैं जीने के नीचे, और यहीं है गाड़ी पार्किंग यहाँ पर 8x7 इस गाड़ी पार्किंग को यहाँ पर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडोर टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है, और ब्लैक और वाइट पत्थर के साथ जीने को पूरा कंप्लीट किया गया है, और यहीं पर स्टील की रेलिंग यहाँ पर लगाई गई है ताकि जीना और भी खूबसूरत यहाँ पर दिखे, और ब्लैक कलर की राइजर यहाँ पर दी गई है, और आप देख सकते हैं पिंक कलर यहाँ पर लाइट यहाँ पर दिया गया है, और ब्लैक कलर की जाली यहाँ पर दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही बारीकी से आपको यहाँ पर दिखाऊंगा 13x45 585 स्क्वायर फिट बना हुआ एक घर, और यहीं पर आपको एक बढ़िया सी विंडो यहाँ पर आपको दिखेगी 1x3.5 फीट यहाँ पर। यहीं पास में आप देखेंगे सनमाइका यहाँ पर लगाई गई है पूरे पर प्लानिंग के साथ यहाँ पर काम, और यहाँ पर काम किया गया है। और पास में आपको यहाँ पर किचन यहाँ पर दिया गया है 8x6 इस किचन के साइज को यहाँ पर बनाया गया है, छोटा साइज फुल फैसिलिटी के साथ यहाँ पर किचन आप देख सकते हैं, बोर्ड टाइल्स यहाँ पर है, बढ़िया सी विंडो बाहर के बाहर, ताकि हवा उजाला और जो धास किचन में अपन बनाते हैं वहाँ बाहर निकल सके। और यहाँ पर सिंक, और यहाँ पर दे रखे पॉइंट, और यहाँ बोर्ड, और यहाँ पर बढ़िया सी एक छोटी सी 1.5x1 फीट की यहाँ पर खिड़की दे रखी है, ताकि यहाँ से चाय कॉफ़ी आप यहाँ से पार्सल आप यहाँ से कर सकें। तो बढ़िया सी एक स्लिप यहाँ पर भी बनाई गई है, और बढ़िया सा यहाँ पर कलर लाइट पीला कलर यहाँ पर
दिया गया है। और यहीं पर से किचन से होते हुए आप यहाँ पर हॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 10x12 इस हॉल के साइज को यहाँ पर बनाया गया है। और यहीं पर आपको बढ़िया सी एक छत पर POP यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी लाइटिंग के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग को किया गया है, बहुत कम साइज में खूबसूरत घर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वाइट पिंक और पीले कलर के साथ यहाँ पर कलर दिया गया है। और यहीं पास में आपको लेट बाथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लेट बाथ को यहाँ पर बनाया गया है। और यहीं उजाले के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंटिलेशन यहाँ पर दिया गया है, ताकि इसका जो उजाला यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा उजाला यहाँ पर आपको लेट बाथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडियन सीट के साथ। और डबल टाइल्स में पट्टे के साथ आप देख सकते हैं फूल वाला पट्टा यहाँ पर दिया गया है और वाइट टाइल्स के साथ यहाँ पर काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर बनाई गई है लेट बाथ। और यहीं पर आपको एक बेडरूम आपको यहाँ पर मिलेगा 10x12 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं पिंक कलर और पीला लाइट कलर के साथ और वाइट छत के साथ यहाँ पर कलर हुआ है पुट्टी के साथ। और ब्लैक कलर की स्कर्टिंग यहाँ पर दी गई है और फुल वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है। और वेंटिलेशन का उजाला आप देख सकते हैं इस कमरे में भी यहाँ पर आ रहा है, कम साइज में पूरी फैसिलिटी के साथ इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का वेंटिलेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसका हाल पर यहाँ पर भी उजाला बढ़िया सा आ रहा है। और यहीं पर आपको बताया देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट दी गई है। तो गाड़ी पार्किंग से दूसरी मंजिल पर से जीना आपको यहाँ पर बाहर के बाहर, और भारी आपको एक किचन यहाँ पर दिया गया है और एक हॉल और एक बेडरूम और एक लेट बाथ के साथ और एक छोटी सी बढ़िया सी विंडो ताकि आप खाना पार्सल आप यहाँ पर कर सके। और यहीं पर आपको जीना दूसरी मंजिल पर जाते हुए यहाँ पर बनाया गया है। और यहीं पर आपको एक टावर यहाँ पर दिख जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं ताकि यहाँ पर अंधेरा ना रह सके। और यहाँ पर जब दूसरी मंजिल की प्लानिंग होगी तो आप देखेंगे यहीं से जीना यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर जगह को रखा गया है दूसरे जीने के लिए। और यहीं से विंडो आपको मैंने बाहर से दिखाया था, यहाँ पर एक विंडो दी गई है उजाले के लिए। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा जीना, प्यारा सा घर छोटा सा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।